Hello everybody. So in this lecture I'm going to discuss regarding mode. Now what is mode? We have discussed to a certain extent. Mode, first of all, it is represented by capital Z. ठीक है, it is represented by Z. फिर दूसरी चीज, mode की definition क्या थी? It is highest occurring frequency. याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. It is highest occurring frequency. अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो एंट्री डेटा में जो बार बार आती है या सबसे ज्यादा बार आती है. अब मोड की हम बात करें, इसका रियल लाइफ में क्या सेंस है? आज हम बात करते हैं बड़ा सिंपल. होंडा ब्रांड पता है कार्स में सबको? विच इज द हाईएस्ट सेलिंग कार विद इन होंडा? होंडा सिटी. सिटी तेरे पास अमेज है या मेरे पास अमेज है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत अच्छी है. सिटी इज द हाईएस्ट सेलिंग कार. ठीक है, करंटली डोंट गो इन द पास्ट, क्योंकि वो उसका रिकॉर्ड तो कोई आज तक तोड़ ही नहीं पाया. मारुति सुजुकी ब्रांड में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार करंट स्विफ्ट. अगर मैं कहूं, मैंने एक बात बोली, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, पता किसका? मारुति 800 का. आज तक वो फ्लॉलेस है, उससे ज्यादा कार आज तक इंडिया में कोई नहीं बिकी. ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है यार? ये कैसे पता चलता है? स्विफ्ट इज इन डिमांड, स्विफ्ट सबसे ज्यादा बिक्री है, होंडा सिटी सबसे ज्यादा बिकती है. ठीक है, एसयूवीज में सबसे ज्यादा इनोवा बिकती है. ये कैसे पता चलता है? टेल मी हाउ वी गेट टू नो अबाउट दिस. बिकॉज व्हेन दे राइट दैट नंबर ऑफ कार सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मारुति स्विफ्ट अकर्स, होंडा सिटी अकर्स, दैट मीन्स इट इज द हाइएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक और लाइन होती है, हम जनरली जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको लिखवाते हैं. ठीक है, मोड इज रिप्रेजेंटेड. अगर मैं ग्राफ पे मोड की बात करूं, कभी वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है. अगर मैं ग्राफ पे मोड की बात करूं तो कैसे समझना है? द पीक ऑफ एनी ग्राफ इज मोड. पीक ऑफ एनी ग्राफ इज मोड. जैसे कि मैंने लिखा यहां पे होंडा की कार्स की बात करें, होंडा जैज, ठीक है, होंडा अमेज, होंडा सिटी, होंडा एकॉर्ड. ठीक है, तो मैंने कहा जैज मैंने बेची इतनी एक महीने में, अमेज बिकी इतनी, सिटी गई बिकी इतनी, एकॉर्ड बिकी सिर्फ इतनी. तो जब मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो चेक करो सबसे ज्यादा कौन बिका. तो पीक ऑफ एनी ग्राफ इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स मोड. ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे को वन मार्क क्वेश्चन में कहीं पे आ जाए. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास कितने तरह की सीरीज? तीन. अब मैं सीधा बात करूंगा किससे, इंडिविजुअल को कैसे सॉल्व करना है, डिस्क्रीट को कैसे सॉल्व करना और कॉन्टिन्यूस को. तो सबसे पहले हमारा मेथड आता है फॉर इंडिविजुअल सीरीज. अब इसको ध्यान से समझना, मैं बड़े सिंपल वे में कहूंगा, बाय इंस्पेक्शन मेथड. अब ये क्या होता है मैथ्स की दुनिया में या स्टैट्स की दुनिया में? इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. इज दैट क्लियर? अब मेरे आपको एक डाटा दिया, ठीक है, आप सबको एक डाटा दिया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स का. किसका? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20. ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट्स के, 17, 16, 3, 18, 17, 15, 10, 17, 14, 20. कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 स्टूडेंट्स के 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट में मार्क्स आ गए. हाँ जी, ध्यान से देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को. विच इज द फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? 17. तो मैं सिंपल लिखूंगा यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, मोड कम्स आउट टू बी 17. ये मेरा आंसर है.
क्या इसमें कोई डाउट? पक्का? श्योर? आई होप दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, अब मैं थोड़ी एंट्री चेंज भी कर देता हूँ, इसको 15 कर दिया मैंने, तब भी आंसर में कोई फर्क आया? बिकॉज मोड इज कमिंग 17 इज कमिंग 3 times एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो मोड इज 17. मोड 3 नहीं होगा. कई बच्चे गलती करते कितनी बार आया, वो नहीं क्या आया, मेरा वेरिएबल कौन है? मार्क्स. मेरा वेरिएबल कौन है? मार्क्स. अगर इसी को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूं? डिस्क्रीट सीरीज में. डिस्क्रीट में मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमेशा फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि नहीं आ जाती? मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 3. उससे ज्यादा? 3 का एक स्टूडेंट है. उसके बाद 10 का एक स्टूडेंट है. उसके बाद 15 के दो स्टूडेंट्स हैं. सॉरी 17 कट गया. 16 के एक, 17 के तीन, एंड उसके बाद 18 वन एंड 20 one. कितने स्टूडेंट टोटल? 4, 5, 10. यस और नो? अब ये तो इंस्पेक्शन मेथड कह रहा है क्या? इन विच सीरीज? इंडिविजुअल. माइंड माई वर्ड्स, इट इज ऑल्सो सेम फॉर डिस्क्रीट सीरीज बाय जस्ट ऑब्जर्विंग फ्रीक्वेंसी. डिस्क्रीट सीरीज बाय जस्ट ऑब्जर्विंग फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया? 3. तो मेरा मोड क्या निकला? इसके सामने वेरिएबल वैल्यू. वेरिएबल वैल्यू क्या है? 17. तो यहां से मोड क्या है? 17. अगर ये हमें 2, 3 होते तो हम एवरेज नहीं लेंगे जो हम अक्सर मीन में करते हैं. या दोनों आएंगी? क्या आएंगी? दोनों. अब आपके सामने ये पॉइंट रखने जा रहा हूं. मेरा एक डाटा लिया, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 2. हाँ जी, 3 कितनी बार आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 2. तो इस सीरीज को बोलेंगे बाय मॉडल सीरीज. क्या बोलेंगे? बाय मॉडल सीरीज. एक्चुअली ये इल डिफाइंड सीरीज होती है. ये इल डिफाइंड मतलब हमारी डेफिनेशन क्या थी सेंट्रल टेंडेंसी की? इट इज अ सिंगल वैल्यू अराउंड विच होल डाटा कॉन्ग्रीगेट्स, जिसके आसपास पूरा डाटा घूम रहा है. सिंगल वैल्यू. क्या ये सिंगल वैल्यू निकली? यहां पे मोड 3 भी आ सकता. और तो हम इसका आंसर नहीं लिखते हैं, हम सीधा क्या लिखते हैं? एज 3 and 2 आर बोथ हैविंग फ्रीक्वेंसी 2, सो इट इज अ केस ऑफ बाय मॉडल सीरीज. खत्म. ये हमारे 10th के स्कोप में नहीं है. ये हमारे 10th के स्कोप में नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं. बट मुझे मेरा फर्ज है करवाना. अब आपको अगला क्वेश्चन देता हूं. ठीक है, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. हाँ जी, 1 कितनी बारी? 6 times. ओके सॉरी, ये लो, 1 कितनी बारी? 6 times. 2? 5, 6 times. तो क्या मैं मॉडल कहूंगा? बाय मॉडल सीरीज. अच्छा, अगला केस 1, 2, 3, 4, 5. नो मोड एग्जिस्ट है ही नहीं, कोई एक से ज्यादा बार आ ही नहीं रहा. तो यहां पे क्या लिखूंगा? नो मोड एग्जिस्ट. मैं फिर कह रहा हूं, ये कुछ हद तक आपके स्कोप ऑफ नॉलेज से बाहर की चीजें हैं, बट हमें क्योंकि बहुत इजी चीजें हैं, आज हम चैप्टर कर रहे हैं तो साथ साथ समझ जाएं. बट जब आप सीनियर क्लासेस में हो जाओगे, स्पेसिफिकली कॉलेज क्लासेस में, तो मोड अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि वहां से बाय मॉडल सीरीज के ट्रीटमेंट डिफरेंट है. समझ रहे हो? वहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते ही बाय मॉडल सीरीज के, और उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? हमारे 10th में एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर सपोज यहां पे फ्रीक्वेंसी 3 है ना, अगर 3 के साथ 2 आ जाता है इन सीनियर क्लासेस, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते. मतलब अगर फ्रीक्वेंसी में 1 या 2 का डिफरेंस है, तो यू नीड टू क्रॉस चेक विद सम अदर मेथडोलॉजी विच इज नॉट बीइंग टॉट इन क्लास 10th. तो 10th में तो मोड इज द इजी मोस्ट आउट ऑफ मीन मीडियन एंड मोड. इजी मोस्ट. ठीक है, पहले ये बताओ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट क्लियर हो गया? विल गोना स्टार्ट विद कॉन्टिन्यूस. जल्दी ये नोट कर लो. सो थर्ड कैटेगरी, केस ऑफ विच सीरीज? मोड. कॉन्टिन्यूस सीरीज. केस ऑफ
अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के मैं स्टेप साथ साथ बोलूंगा, आपने नोट करते जाना, ठीक है? और वो मेथड हमेशा अपने मन में बसा लेना है। स्टेप नंबर वन है हमारे पास ऑब्जर्व द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हेंस डिटरमिन मॉडल क्लास, हेंस डिटरमिन मॉडल क्लास। अब सबसे पहले नई चीज आपके सामने आई, मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास वो होता है, वो क्लास इंटरवल जिसके अंदर मॉड एग्जिस्ट करता है। मेरी बात समझे? मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल है जिसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? मॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं। यस, अब वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई, यही आंसर है। अब ध्यान से देखिए प्लीज, इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 18 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब 18 के सामने क्लास इंटरवल कौन है? तो लिखने का वे क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, एज 18 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 40 to 60। इसका मतलब क्या है, मैं ये थोड़ा विस्तार में बता दूं कि जो मेरा मॉड है वो 41 भी हो सकता है और 59 भी हो सकता है, मतलब 41 से लेकर 59 तक कुछ भी हो सकता है। अगर वो हो गया तो मेरा आंसर करेक्ट है, और अगर वो उसमें नहीं हुआ, जब आप सीनियर क्लासेस जाओगे वो भी देखोगे कि आंसर आ गया इसमें 38 और वो एक्सेप्शनल केस, और उसके मेथड बिल्कुल डिफरेंट, उसके मेथड बिल्कुल डिफरेंट। समझ गए? आएंगे हम, बट डोंट माइंड, ये प्लस वन प्लस टू में नहीं आएगा तेरी नॉन मेडिकल में, ये आता है कॉमर्स और एमबीए बीबीए के क्वेश्चन, अभी नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है? अब यहां तक बात करें 40 to 60, ये स्टेप नंबर वन समझ आ गया सबको। स्टेप नंबर टू क्या है? डिटरमिन, और ये भी ना करो मैं और इजी कर देता हूं, अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मॉड, दैट इज जेड इज इक्वल्स टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ये हमें याद करना है, किया था ना लास्ट टाइम भी। अब ध्यान से, व्हाट आर दीज थिंग्स, ये क्या सब कर दिया सर आपने? एल वन लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मैं मॉडल क्लास को एमसी लिख रहा हूं टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि हर जगह ये लिखना पड़ेगा। एफ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब ध्यान से यहां तक पहले समझो, ये मॉडल क्लास है, ये कौन सी लिमिट, ये कौन सी लिमिट, तो ये मेरी आ गई भाई एल वन, ठीक है, आ गई इसकी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन है, तो ये क्या आ गई एफ वन। यस, अब आते हैं एफ नॉट। अच्छा, जीरो वन से पहले आ गया था, बाद में आता है, तो पहले मतलब प्रीसीडिंग, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, एफ नॉट, क्या कहेंगे एफ नॉट। और टू एफ वन, वन के बाद आता है दिवम, टू बाद में आता है, तो यहां पर एफ टू क्या कहूंगा, सक्सीडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो सब कुछ किस पे खड़ा था क्वेश्चन का, मॉडल क्लास के ऊपर, किसके ऊपर, तो ये जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है इसको क्या कर दूंगा एफ टू। अब सारी की सारी खिचड़ी किसमें डाल दो, फॉर्मूला में, जेड इज इक्वल टू एल वन की जगह 40 प्लस, इसका मतलब क्या है, जो मॉड है 40 से बड़ा है, मॉड क्या है 40 से बड़ा है, प्लस एफ वन क्या है 18 माइनस एफ नॉट 6 अपॉन 2 टाइम्स 80 को 36 लिख दो, माइनस एफ नॉट 6 माइनस एफ टू 10 इंटू एच। एच क्या बताया था, एच तो अब तक कर गए बड़ी बार, क्लास साइज
याद है कल भी सिखाया था ना, अपर लिमिट माइनस कितना क्लास साइज 20, कितना क्लास साइज 20, यस और नो, कॉमन फैक्टर हमेशा क्लास साइज ही होता है, याद रखना ठीक है। अब 40 प्लस 18 माइनस 6 12, 10 एंड 6 16, 36 माइनस 16 बोलो 20 इंटू 20 और 20 बच्चा कम 40 प्लस Z इज इक्वल्स टू, क्या ये 52 इसके बीच में लाए कर रहा है? Yes. किसके बीच में? 40. तो मेरा आंसर 100% करेक्ट है, 100%। ठीक है जी, मैंने आज तक नहीं देखा सीबीएसई में कभी स्पेशल केसेस आए हों, स्पेशल 5 केसेस हैं मोड के, 5 कॉन्टिन्यूस के, हम नहीं बात करते उसके कभी भी, किसी टाइम में कराता होता था बच्चों को, फिर देखा जब बोर्ड में कभी आए ही नहीं तो देयर इज नो नीड टू। अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर? कल के लेक्चर में हम मोड के ही क्वेश्चंस करेंगे, टिपिकल क्वेश्चंस, और ऐसे ही जैसे आज एक एक ही लेक्चर में मीडियम मोड कवर किया है, कल मैं मीडियम कवर कराऊंगा। तो कल प्लीज कोई छुट्टी ना करें, करिए नोट। थैंक यू।